अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फराज किचन। आज फराज किचन में मैं बना रही हूँ चिकन विंग्स, जो हनी अगर इसमें ऐड करें तो हनी विंग्स भी बन जाते हैं। मैं बग़ैर हनी के बना रही हूँ। चलें मैं देख आप देखते हैं कि मैं किस तरह ये बनाती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। चिकन विंग्स बनाने के लिए मैंने चिकन के विंग्स हैं ये 1 किलो से ज़्यादा ही हैं, इसमें दो बोथ साइड्स के हैं, और इनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। इसमें मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो ये हैं। एक तो मैंने इसमें, क्योंकि मैं पहले डाल चुकी हूँ इसलिए साबुत सुरख मिर्च मैंने इसमें डाल लिया, साबुत सुरख मिर्च नहीं बल्कि कूटी हुई सुरख मिर्च, और नमक, और इसमें डाला मैंने सोया सॉस, वूस्टर सॉस, वूस्टर शायर सॉस और सोया सॉस, और मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। मैं साथ साथ ऊपर लिख दूंगी कॉर्नफ्लोर और मैदा मिला के मैंने इधर मिक्स कर लिया है, और एक अंडा है, फेंटेंगी, कोटिंग करेंगे। और मैंने ये 2 घंटे चिकन विंग्स जो है मैरिनेट करके रखे हैं। तो ये चूँकि मैं पहले भी ये रेसिपी इस तरह चिकन बोनलेस में शेयर कर ली है, इसलिए मैंने स्पाइसेस लगाते हुए नहीं दिखाया, शॉर्ट टाइम ज़्यादा ना आपका हो। ये 2 टीस्पून मैंने इसमें स्पाइसेस डाली हैं, रेड चिली और सॉल्ट और ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, और बाकी ये सारे मैंने सॉस वगैरह डाली हैं, सोया सॉस, सिरका और कॉर्नफ्लोर, मैदा, मस्टर्ड पाउडर है 1 टीस्पून भरकर, और अब ये अंडा फेंट के मैं कोटिंग करती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है, और अब इसमें मैं आपको कोटिंग करती हूँ। तमाम चीज़ें, तमाम स्पाइसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्वांटिटी मैं आपको ऊपर मेंशन कर देती हूँ। डीप फ्राई करना है मैंने ऑयल को, गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं विंग्स को इसमें डालती हूँ 1 बाय 1 कर। सबसे पहले विंग्स एक लेके मैदा की कोटिंग करेंगे, जितने पहले आप कर सकते हैं हाथ से कर लें, फोर्क से कर लें। मैंने चिकन विंग्स के अंदर ब्लैक सी एक वेन होती है, उसको मैंने पहले छुरी से निकाल के अलहदा कर लिया है। वो ज़रूर निकाल लिया करें क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसी में आप हनी भी शामिल करें तो हनी विंग्स बन जाएंगे, लेकिन आज मैंने इसमें हनी नहीं शामिल किया, हनी की कोटिंग कर ले तो ये बिल्कुल सारे स्पाइसेस वही ऑलमोस्ट। फिर दोबारा से एक दफ़ा मैदा, कॉर्नफ्लोर, फिर एग, फिर दोबारा से कोटिंग, कॉर्नफ्लोर और मैदा, फिर दोबारा वापस 1 बाय 1 करके ऑयल अच्छा सा गर्म हो और डीप फ्राई करो तो क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। फिर बाद में थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। हाथ से काम करें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाथ इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साबुन से या डेटोल सोप से या सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें, केयर करें, बार बार हाथ धोएं। आजकल बच्चे चूँकि घर हैं इसलिए घर में ही चीज़ें बन जाती हैं। एक टाइम पे सब्ज़ी, दाल ज़रूर खाएं, दाल सब्ज़ी। आज मैंने भिंडियाँ भी बनाई थी अचार वाली, वैसे मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, अचारी भिंडी। तो ये रात को बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है डिफरेंट। ये देखें डबल कोटिंग हो गई। अब इनको डीप फ्राई करते हैं। ये क्या ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म है। वन बाय वन करके डालें। ये 1 बाय 1 करके मैंने ये डाल दिए। अभी मैंने इनको हिलाया नहीं, हिलाना नहीं एकदम से, वरना सारी कोटिंग निकल जाएगी। अब ये तेज़ है फ्लेम, अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट में फ्लेम तेज़ रखें, बाद में स्लो कर लें तो
जो ऊपर हमने इसके मैदा कॉर्नफ्लोर अंडा लगाया है तो वो अच्छी तरह से साथ लगा रहेगा। अगर आप फौरन इसको हिलाने लग पड़ेंगे, मैंने कुछ देर पहले के जो विंग्स डाले हैं वही हिला रही हूँ, जो हैं जो अब डाले उन्हें मैं नहीं हिला रही हूँ, तो फिर सारा ख़राब हो जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा जो क्रिस्पीपन इसमें चाहिए होता है। ये देखें अब मैं इनको साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें एक तरफ से बिल्कुल अच्छा सा हो गया लाइट सा। अब विंग्स की ये देखें, थोड़ा सा फोकस करें, जब अच्छी तरह इनके ऊपर इनका मटेरियल चिपक जाएगा तो फिर मैं इसको थोड़ा सा कवर करूँगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें बिल्कुल भी जो इन पर हमने कोटिंग की है वो बिल्कुल एवं है। लुक एट हियर, अमेजिंग कोटिंग, ज़बरदस्त। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना, थोड़ा सा तेज़ वरना ये पानी छोड़ देंगे। हाथ मेरे मैदे वाले हैं, ये देखें ये साइड अब चेंज कर लेते हैं। मैंने 5 मिनट कवर किया, अब दूसरी साइड चेंज करके 2 या 3 मिनट कवर करूँगी। ना ज़्यादा ब्राउन है, बिल्कुल गोल्डन कलर के होंगे जींस। ये देखेंगे फ्राई हो रहे हैं, अब इनको खोल लेते हैं। ये विंग्स बिल्कुल रेडी। फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ना ब्राउन हो, ये सब गोल्डन से हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। डिश में कैचअप से आप सर्व कर सकते हैं, मेयोनीज़, वो कोई सी भी डिप आप यूज़ कर लें, बारबेक्यू सॉस। रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही चीज़ें ट्राई करें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको सिखाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस पर सब्सक्राइब भी करें और साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन बटन ज़रूर पुश करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। ये जी हमारा चिकन विंग्स स्पाइसी है, ये रेडी है डिश। विंग्स तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।